Come watch my movie Jawan, releasing at a cinema location near you. तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, जवान से रिलेटेड कुछ चीजें तो थमसी गई हैं। अब जवान का ट्रेलर जो सबसे ज्यादा हाइप सेट करके बैठा था वो कभी भी रिलीज हो सकता है, ऐसे हमें सोर्सेस से पता लग रहा है, लेकिन कभी रिलीज होगा फिलहाल तो किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, एक बंदे को पता हो सकता है कि ट्रेलर कब हो सकता है रिलीज, या फिर ट्रेलर कहो या फाइनल ट्रेलर कहो या फिर इसे प्रीव्यू 2 कहो, कभी भी आ सकता है। लेकिन ये बंदा बैठा है खामोश काफ़ी टाइम से, क्योंकि इस बंदे से पठान के टाइम कुछ ऐसा लीक हो गया था जिससे YRF ने इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया था। तो ये अभी खामोश बैठा है और इस बंदे की अपडेट भी बहुत सॉलिड एंड सटीक रहती है SRK को लेकर, उसकी फिल्म को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, ट्विटर पर एक बंदा है शंकु करके, ये बंदा SRK को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, उसकी सारी अपडेट्स रखता है, करंटली किस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, कौन सा अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है, अपकमिंग अपडेट क्या होने वाली है SRK से रिलेटेड। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बंदे को ये भी पता होगा कि जवान का फाइनल ट्रेलर में कैसा क्या काम चल रहा है, कब आने वाला है, लेकिन मजबूर है ये बंदा अभी। दूसरा, मैं अगर अपनी प्रिडिक्शन दूं, एक लिंक जनरेट हो रहा है जहां से कि जब जवान का फर्स्ट टीजर आया था मंडे को आया था, प्रीव्यू आया था वो भी मंडे को आया था, फिर फर्स्ट सॉन्ग आया वो जिंदा बंदा वो भी मंडे को आया, उसका सेकंड सॉन्ग चलिया ये भी मंडे को आया, तो मुझे लग रहा है फाइनल ट्रेलर जो आना है वो भी शायद मंडे को रिलीज कर सकते हैं SRK, जो 28 अगस्त पड़ रहा है जो दिन। तो ये सिर्फ मेरा प्रिडिक्शन है, लेकिन SRK का कभी भी मूड घूम गया तो आज शाम तक अनाउंसमेंट हो जाएगी और कल सुबह तक ट्रेलर भी आ सकता है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिलहाल कुछ नहीं कह सकते स्ट्रॉन्ग नोट के साथ। दूसरा, मैं आपको बता दूं तो एक अपडेट ये भी है कि दीपिका और SRK का एक जबरदस्त रोमांटिक सॉन्ग रिलीज होना है, वो भी हाल फिलहाल में कभी भी हो सकता है मूवी रिलीज से पहले ही। और दूसरा, रमिया सॉन्ग रिलीज होना है, तो मतलब तीसरे और चौथे ये सॉन्ग ये दोनों रिलीज होंगे मूवी रिलीज से पहले, ट्रेलर के आगे पीछे। तो ये दोनों सॉन्ग मूवी रिलीज से पहले आने हैं पक्का, 1 तारीख से एडवांस बुकिंग ऑफिशियली चालू हो जानी है, 3 मिनट का ट्रेलर भी आना है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 3 मिनट का फाइनल ट्रेलर आना है, सही सुना आपने। और एक अपडेट ये भी है कि विजय सेतुपति का प्रोमो भी आना है सिंगल, अब ये कितना सच है कितना नहीं ये तो वक्त आने पर पता लगेगा, लेकिन फिलहाल हाल फिलहाल में ये सुनने में आ रहा है कि विजय सेतुपति का सिंगल प्रोमो आना है। एक सॉलिड अपडेट आपको और भी देना चाहूंगा कि जवान मूवी में जो एक्शन का डायरेक्शन किया गया है वो 6 डायरेक्टर्स ने मिलकर किया है, और साथ में बॉस डायरेक्टर अपने अटली कुमार तो हैं ही, और जो भी ये 6 डायरेक्टर्स हैं ये कोई हल्के फुल्के नहीं है, बड़ी बड़ी मूवी में डायरेक्शन कर चुके हैं, जिसमें से हैं पहले स्पायरो रिजॉर्ट्स, जिसने SRK की रावण मूवी में भी डायरेक्शन दिया है और फास्ट एंड फ्यूरियस 8 में भी इन्होंने अपना डायरेक्शन दिया है। दूसरे हैं यानिक बैन, द फैमिली मैन वेब सीरीज तो सबने देखी होगी ना, बस फिर जो उसमें एक्शन है वो इनके द्वारा ही दिया गया है, और रेस 2 में भी इन्होंने डायरेक्शन दिया है। तीसरे हैं क्रेग मकारे, चौथे हैं कैचा खंपागडी, ऑंग बैक 1 और 2 जैसी वर्ल्ड फेमस मूवी में डायरेक्शन दिया है, पांचवें हैं सुनील रॉड्रिगूज, एंड छठे हैं एनएल अरासू, जिन्होंने दबंग 2 जैसे दिग्गज मूवी में डायरेक्शन किया है। तो ऐसा नहीं है कि जिन जिन फिल्मों के मैंने नाम लिए हैं सिर्फ इनमें ही इन्होंने काम कर रखा है, बस यह है कि एक अंदाज़ा लग जाएगा आप लोगों को इन फिल्मों से, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस मूवीज हैं, इन्हें आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखी ही होगी, तो जो एक्शन उनमें आपको देखने को मिला है यहाँ से एक आइडिया सेट हो जाएगा कि जवान में किस लेवल का एक्शन देखने को मिल सकता है, जब ये सारे डायरेक्टर्स एक साथ मिलेंगे जो तड़का डिलीवर करेंगे लोगों के लिए वो काबिले तारीफ होगा, दमदार होगा। दोस्तों दिल थाम के बैठ जाओ, ट्रेलर जैसे ही आता है आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या क्या मिलने वाला है आपको मूवी में। बाकी आप सभी कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फाइनल ट्रेलर का, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना, और जवान का एक्शन का हाइप कैसा रहने वाला है ये आप लोग बताएंगे। अब बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।